फिल्म तो अच्छी है, ये एक्सपेरिमेंट है पिक्चर का, कैसे क्या किया लास्ट तक, तो मतलब बहुत सारा इसमें डेप्थ है फिल्म में और अच्छी लगी, एक एक्सपेरिमेंट फिल्म है, नई तरीके की फिल्म है और अच्छा लगेगा। तापसी पन्नू यू नो उसने हमेशा से बेस्ट फिल्में दी है, बहुत ही सुपरहिट। शी इज ब्रिलियंट एक्ट्रेस, शी इज ब्रिलियंट नो डाउट, तापसी इज डूइंग वेरी वेल, बहुत अच्छा काम किया उसने और टोटली लगता बांध के रखा फिल्म को उसने अपने मतलब एक्टिंग के बूते में, और तापसी इज डूइंग गुड। पांच में से कितने स्टार दीजिए? मेरे तरफ से 3। थैंक यू। तो देख क्या कहना चाहिए, कैसी लगी फिल्म? बहुत ही अच्छी फिल्म, अच्छा एक्सपेरिमेंटल मूवी थी, नए कंसेप्ट बनी थी, काफ़ी अच्छा लगा। अलग अलग करेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मूवी चल रही थी, 3-4 सेगमेंट में था, तो बहुत ही शानदार था, बहुत ही बेहतरीन था। साथ ही में यू नो तापसी पन्नू जिन्होंने पहले भी बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में की है, तो उनसे कुछ एक्सपेक्टेशन बढ़ सी जाती है, तो क्या उन एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतरी है? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने काफ़ी मेहनत किया और जो मेहनत की है वो दिखता भी है। अगर एक एक्टर के तौर पर, अभिनेता के तौर पर आप मेहनत करती हैं तो वो दिखता है, तो वो उन्होंने काफ़ी अच्छा किया, सभी एक्टर्स ने अच्छा किया है, करेक्टर्स का चुनाव बहुत ही अच्छा था और बेहतरीन है, लगता है शायद पार्ट 2 बने। अच्छा अच्छा, वैसे सॉन्ग्स के बारे में क्या कहना चाहिए, कोई सॉन्ग है? सॉन्ग्स तो ऐसा कुछ खास था नहीं, म्यूज़िक काफ़ी अच्छा था, बैकग्राउंड म्यूजिक उस पर काफ़ी मेहनत किया गया है और सीन्स भी काफ़ी अच्छे शूट किए गए हैं, लाइटिंग वाइटिंग भी काफ़ी अच्छी थी। क्या कहानी आपको किसी क्वेश्चन मार्क पर छोड़ के जाते हैं जिससे आप कह रहे हैं कि पार्ट 2 बनेगा? ऐसा लगता है कि बनना चाहिए। अच्छा। अगर एक तरह एक पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखेंगे तो ऐसा लगता है कि कहानी कहीं नहीं छोड़ रही है, ख़त्म हो रही है, लेकिन जब आप एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो लगता है कि नहीं, ये कहानी अलग जा सकती है। अब बना मेकर पर डिपेंड करता है, वो चाहे तो बना सकते हैं, अलग अलग लॉजिक देकर कुछ भी किया जा सकता है। 5 में से कितना स्टार दे? 4। थैंक यू सर। थैंक यू। लेकिन संकट हाफ में उतना कुछ है नहीं। अच्छा। जो कॉन्सेप्ट है वो कितना इंटरेस्टिंग लगा? कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग है, मतलब वीडियो गेम के थ्रू जो उन्होंने क्रिएट किया अच्छा लगा है, तापसी पन्नू ने बहुत कमाल का काम किया है, लेकिन सेकंड हाफ में जो क्लाइमेक्स है वो तो बहुत ही फिजी है, मज़ा नहीं आया, मतलब पूरे कॉन्सेप्ट को वो होल्ड नहीं कर पाए, उनको समझ भी नहीं आया। उन्होंने फैला तो बहुत कुछ दिया हॉलीवुड की तरह ना, क्रिएट भी अच्छा किया, वन लोकेशन पर बहुत अच्छा ड्रामा है, बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है, एक्टिंग सब परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन सेकेंड हाफ में जो फ्लैशबैक ही चलता रहता है और जब क्लियर होता है तो क्यों क्या मोटिव क्या था क्या, वो क्लियर ही नहीं होता है। तो पैसा वसूल हुआ कि नहीं? नहीं 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 नहीं, मज़ा नहीं आया। कितने स्टार दिए आपने? 2। हाँ, एक न्यू कंसेप्ट था, मतलब वो टॉलीवुड मूवी है शायद, तो उसके हिसाब से अच्छा था, मतलब वहीं से आता है मोस्ट ऑफ द इनोवेटिव मूवी, तो वो अच्छा था, जैसे वो 3 टैटू 3 लाइफ्स, बट द आई मीन प्लॉट होल विल बी लाइक the girl dies one time, right? And in the second time, the three of the shooters, one of them die. So he once again got revived and three of them got chance, while girls girl only gets one chance, that's Tapsee Pannu. So I thought they should have killed one of the shooter in the second, and in last only two should be remaining. They rather kept it 3, so that was little unfair, I guess. Okay. And कहानी बांधे रखती है आपको पूरा? हाँ, पूरा टाइम पूरा, उसका जो उसने मुंडी काट के ऐसे ग्लास पे स्मैश किया, दैट वाज ऑसम, माय फ्रेंड आई गेट स्कैर्ड अ लॉट। ओके, फिल्म के एक्टिंग के बारे में क्या कहना चाहिए? तापसी पन्नू ऑलवेज शी किल्स इट विद एक्टिंग, शी इज ऑलवेज ग्रेट। डायरेक्शन अनुराग कश्यप, नो वन विल डाउट हिम एनीवेज। 5 में से कितना स्टार दे? 4। पैसा वसूल हुआ? पैसा वसूल हुआ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। 1 मिनट। अरे सर, ओके, सो कैसे लगी ये? कहाँ दिखेगा पहली बात तो? बहुत सारे चैनल, सारे देखो ना, सब चैनल देखो, सब में दिखेगा, बोलिए। हाँ, काफ़ी अच्छी मूवी थी, काफ़ी सस्पेंस था, काफ़ी थ्रिलर था इस मूवी में। ओके, और यू नो कॉन्सेप्ट जिस तरीके का वो देख के चल रहा है, तो कॉन्सेप्ट में कितना बांध रखा? काफ़ी एंड तक काफ़ी ग्रेस्पिंग था मूवी, और 4 स्टार्स दूंगी मैं। ओके, बाकी तापसी पन्नू के एक्टिंग के बारे में क्या कहना? तापसी पन्नू की एक्टिंग तो हम अच्छी है ही, पिंक वगैरह सब देखा हुआ है, तो ये एक और ऐड हो जाता है उनके करियर। ओके, और पैसा वसूल हुआ? यस, डेफिनेटली। मूवी बहुत अच्छी थी, सस्पेंस बहुत था, थ्रिलर बहुत था, लास्ट तक का मेंटेन था, कहीं भी ऐसा ड्रॉप नहीं हुआ, बहुत अच्छा लगा मुझे मूवी। कितना बांधे रखती है फिल्म ऑडियंस? ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऐसा ऑफ रोड जाता है, पर फिर बाद में जो ऐसा लास्ट मूवी ऐसा डायरेक्ट जो किया है वो बहुत अच्छा है,
बहुत अच्छा लगता है लास्ट में। गाने नहीं है पिक्चर में और डायरेक्शन है बहुत अच्छा किया है डायरेक्शन, लास्ट तक का सस्पेंस बनाए रखा है बहुत अच्छा। तापसी जी, हाँ तापसी जी की एक्टिंग मतलब बहुत ही ऐसा ज़्यादा ओवर नहीं हुआ है, मतलब बहुत ही बांधा हुआ रखा है उन्होंने सबको, और फिर उनकी जो मेड है उनकी भी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी बहुत। 4.5। ओके सो गेम ओवर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसी लगी फिल्म? गुड मूवी। ओके और तापसी पन्नू से जो एक्सपेक्टेशंस थी उनसे भरी उतरी है? हाँ ठीक है, इतना मूवी अच्छी थी, साइकोलॉजी बेस्ड मूवी थी, ओवरकम किया और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया था मूवी का, एंड थोड़ा ठीक ठाक था। समझ में नहीं आया मतलब सेकंड हाफ एंड वाज नॉट गुड, थोड़ा और अच्छा करते थे और अच्छा रहता। एक तो लोगों ने बोला सेकंड पार्ट भी बनेगी लगता है? आई डोंट थिंक सो। ओके और सॉन्ग्स डायरेक्शन? सॉन्ग्स आई डोंट थिंक सो, सॉन्ग्स थे, डायरेक्शन वाज गुड। 5 में से कितना स्टार? 4। फिल्म अच्छी थी लेकिन मुझे उतनी पसंद नहीं आई क्योंकि एंड अच्छा नहीं था, एंड प्रॉपर नहीं दिखाया, तो अच्छी थी मूवी मतलब 50%। हाँ एक्टिंग तो फुल की बट डायरेक्शन उतना कुछ अच्छा नहीं लगा मुझे, तो और एंड भी उतना अच्छा नहीं लगा इसलिए ठीक था। सेकेंड हाफ, सेकेंड हाफ ऑब्वियसली एकदम मस्त था। अच्छा बनना चाहिए बट पता नहीं क्या बनाएंगे। ओके फिल्म में डायरेक्शन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सॉन्ग्स तो है नहीं, सॉन्ग्स तो है नहीं, डायरेक्शन के बारे में? डायरेक्शन अच्छी थी बट एंड तो मुझे पसंद नहीं ऑब्वियसली। हाँ कॉन्सेप्ट नया था, अच्छा था बट अगर वो कॉन्सेप्ट में अगर और थोड़ा आगे, अगर मूवी और थोड़ी ज़्यादा चलती तो एंड अगर अच्छा दिखाते, मतलब बताया क्या है कि एंड कैसा है, उसको थ्री लाइफ कैसे मिलती हैं, वो अगर एंड बताते तो फिर और अच्छा होता, और अच्छा मिलता। 2.5। 50-50। थैंक यू सर।